अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम अकेडमी। पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह और सतपाल महाराज की मुलाकात नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई थी। मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि इस दौरान रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह ने हवाई यात्रा में बघेली व्यंजनों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्य को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद IIM के देहरादून, नैनीताल, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के अधीक्षकों द्वारा व्यंजनों को चयन किया गया है जिनको दो खंडों में बांटा जाएगा। आज महाराजा पुष्पराज सिंह खुद व्यंजनों का चयन करने निकले और इसमें सबसे पहले उन्होंने बघेल खंड के आचार, पापड़ और मुरब्बे को चखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि चयनित व्यंजनों को दो खंडों में बांटा जाएगा। इनमें सूखा भोजन और गीला भोजन होगा जो शॉर्ट टर्म फ्लाइट और लॉन्ग टर्म फ्लाइट में भी बांटा जाएगा। महाराजा पुष्पराज सिंह ने यह भी कहा कि उन्हीं व्यंजनों का चयन किया जाएगा जो बघेल खंड और बुंदेल खंड में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको भली भांति इस बात की जानकारी है कि हम लोगों को लगभग 6-8 महीने हो गए हैं और माननीय मंत्री उत्तराखंड सतपाल महाराज जी के साथ और अब हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत सरकार उदय महोत्सव जी के साथ हम लोग मिलकर एक प्रस्ताव रखे हैं कि जो खेत से पेट हमारे व्यंजन की एक मूलभूत बात है, हम चाहते हैं कि इन फ्लाइट केटरिंग में हमारे रीजनल क्विजीन, हमारा जो क्षेत्रीय भोजन है वो आरंभ हो। तो आज चयनित करने के लिए पहला कार्य हम लोग अचार से शुरू कर रहे हैं और कुछ मुखवाद से शुरू कर रहे हैं और विशेष रूप से वो चीज़ों को लेकर जो बघेल खंड और बुंदेल खंड में इस्तेमाल करी जाती है, जैसे आंवला हो गया, जैसे बांस हो गया, जैसे कटहल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनको हम लोग आज देख रहे हैं। हमने 5 से 7 IIHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करा, जिसमें 2 या 3 हमारे मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, उसी प्रकार से 3 हमारे उत्तराखंड के हैं, 2 हमारे गुजरात के हैं क्योंकि महोरकर जी के कारण अब गुजरात भी हमारे साथ जुड़ गया है। और इन लोगों से परामर्श करने के बाद इनकी पूरी विशेषता और अनुभव का लाभ उठाकर आप लोगों ने जो एक क्विजीन की लिस्ट बताई है वो 2 भागों में बटी है। एक तो जो शॉर्ट टर्म फ्लाइट्स होंगी जो लगभग 1 से 1.25 घंटा की फ्लाइट होगी उसमें जो परोसाया जाएगा जो ड्राई डिशेज होंगी, और एक लॉन्ग टर्म फ्लाइट होगी जो हमारी 2 घंटे 1.25 घंटे 2.5 घंटे की फ्लाइट होगी या जो बाहर की भी फ्लाइट्स है उनमें भी, जैसे जो एयरपोर्ट्स हमने सिलेक्ट करे हैं उनमें से कम से कम 4 एयरपोर्ट्स तो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट और जो बन रहे हैं जिनमें से नोएडा भी एक एयरपोर्ट है जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है। तो उस तरीके से हमने 2 खंडों में इसको बांटा है और एक में सूखे भोजन दिए जाएंगे, दूसरे में जो हमारे किले भोजन दिए जाएंगे। तो इनको देखते हुए जैसे हमारे यहाँ कटहल का अचार भी अच्छा बनता है, वो सूखे में चला जाएगा, कटहल की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, मसलहा बहुत अच्छा बनता है, वो हमारे गीले में चला जाएगा, इस प्रकार से इनका चयनीकरण कराया गया। बघेल खंड के व्यंजन का अगर हवाई सेवाओं में यात्री जी उसका स्वाद उठाएंगे तो मध्य प्रदेश सरकार की बात आती है तो कैसे इस पर सरकार का सहयोग मिला, किस तरीके से आगे आपकी क्या बात है? भारत सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएँ रखी और उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी किसान उन्मूलक है और किसान के प्रति बहुत सजग है और उनके लिए काम कर रही है। मैं पूरा का पूरा विश्वास रख रहा हूँ कि माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में हमको यहाँ उनका पूर्ण समर्थन मिलेगा। लेकिन इसमें जहाँ तक सरकारी समर्थन, ये माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी भी बोल चुके हैं और हम लोग भी जानते हैं, उनका केवल जो रोल है वो मेल मुलाकात कराने का है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराने का है, एयरलाइंस के बीच में और हम लोगों के बीच में संवाद, वो एक बार हो गया तो ट्रेनिंग का काम हमारा होगा, एयरलाइन के जो इन हाउस ट्रेनर्स होते हैं, जो केटरर्स होते हैं
उनका काम हमारा होगा। सरकार से हम कोई आर्थिक मदद नहीं चाह रहे हैं, कोई उनका प्रोजेक्ट नहीं चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। सरकार को हम केवल एक कोऑर्डिनेटर के रूप में चाह रहे हैं।